नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग जानते हैं वैश्विक महामारी के इस दौर में आखिर निजता पर संकट क्यों उठ रहा है, हमारी निजता पर संकट क्यों मंडरा रहा है, उसी से संबंधित आपका ये आर्टिकल। तो इसमें देखेंगे कि अभी ये आखिर चर्चा में क्यों है, जो आपका आरोग्य सेतु ऐप है इसके बारे में जानेंगे और इस ऐप की विशेषताएं क्या है इसे भी देख लेंगे, ऐप की कार्यप्रणाली क्या है उसे भी देख लेंगे, निजता संबंधी चिंताएं आखिर क्यों आ रही हैं इन्हें भी देख लेंगे, प्रभाव क्या है और निजता का महत्व क्या है हमारी जिंदगी में उसे भी हम लोग देख लेंगे। अपनी विकास यात्रा के दौरान समूचा विश्व असंख्य प्रकार की वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय उन्नतियों की का साक्षी रहा है। हालांकि इस जद्दोजहद में अक्सर यह भुला दिया जाता है कि यदि जनता के मानवाधिकारों का आदर या सम्मान नहीं होगा तो किसी भी तरह का टिकाऊ विकास टिकाऊ साबित नहीं होगा। इन्हीं मानवाधिकारों में निजता का अधिकार भी शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा गया है। याद रखना है 21 है आर्टिकल निजता के अधिकार से संबंधित। COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी का पूरी दुनिया में अभूतपूर्व ढंग से प्रसार और मृतकों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी के बाद गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी तकनीकी कंपनियों ने महामारी पर नियंत्रण पाने में सरकार की मदद के लिए अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार गूगल और फेसबुक इस महामारी से लड़ाई में स्मार्टफोन से यूजर्स का लोकेशन डाटा एकत्रित कर सरकार से शेयर करेगी। अमेरिका के बाद इस कंपनियों ने यह भी ऐलान किया है कि वो इस तरह का डाटा शेयर करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की सरकार और कुछ टेलीकॉम कंपनियों से बात कर रही है ताकि इन देशों में बीमारी का मुकाबला किया जा सके। भारत सरकार ने भी आपका आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने का प्रयास किया है, परंतु इसके साथ ही विभिन्न देशों की सरकारों पर नागरिकों की निजता के उल्लंघन का आरोप भी लग रहा है। बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। आरोग्य सेतु ऐप कुछ सार्वजनिक निजी साझेदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तैयार एवं गूगल गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप का मुख्य उद्देश्य COVID-19 से संक्रमित व्यक्तियों एवं उपायों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना होगा। यह ऐप आपका 11 भाषाओं में उपलब्ध है। साथ ही इसमें देश के सभी राज्यों के हेल्पलाइन नंबर की सूची भी दी गई है इस ऐप में। ऐप की विशेषताओं की बात करें तो किसी व्यक्ति में कोरोना वायरस के जोखिम का अंदाजा उनकी गतिविधियों के आधार पर करने हेतु आरोग्य सेतु ऐप द्वारा ब्लूटूथ तकनीकी एल्गोरिथम तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक बार स्मार्टफोन फोन में इंस्टॉल होने के बाद यह ऐप नज़दीक के किसी फोन में आरोग्य सेतु के इंस्टॉल होने की पहचान कर सकता है। यह ऐप कुछ मापदंडों के आधार पर संक्रमण के जोखिम का आकलन कर सकता है। ऐप की कार्य प्रणाली की बात करें तो अगर कोई व्यक्ति COVID-19 सकारात्मक व्यक्ति के संपर्क में आता है यानी कि पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आता है तो ऐप निर्देश भेजने के साथ ही ख्याल रखने के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा। इलेक्ट्रॉनिक की और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार ऐप अपने उपयोगकर्ताओं के अन्य लोगों के साथ संपर्क को ट्रैक करेगा और किसी उपयोगकर्ता को किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में होने के संदेह की स्थिति में अधिकारियों को सतर्क करेगा। इनमें से किसी भी संपर्क का
परीक्षण सकारात्मक होने की स्थिति में यह एप्लीकेशन परिष्कृत मापदंडों के आधार पर संक्रमण के जोखिम की गणना कर सकता है। बात करते हैं निजता संबंधी चिंताएं आखिर क्यों हैं। इस ऐप को लेकर कई विशेषज्ञों ने निजता संबंधी चिंता जाहिर की है। हालांकि केंद्र सरकार के अनुसार किसी व्यक्ति की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु लोगों का डेटा उनके फोन में लोकल स्टोरेज में ही सुरक्षित रखा जाएगा तथा इसका प्रयोग तभी होगा जब उपयोगकर्ता किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएगा जिसकी COVID-19 की जांच पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रही हो। विशेषज्ञों के अनुसार कौन सा डेटा एकत्रित किया जाएगा, इसे कब तक संग्रहित किया जाएगा, इसका उपयोग किन कार्यों में किया जाएगा, इस पर केंद्र सरकार की तरफ से पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है। सरकार ऐसी कोई गारंटी नहीं दे रही है कि हालात सुधरने के बाद इस डेटा को नष्ट कर दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए एकत्रित किए जा रहे डेटा के प्रयोग में लाए जाने से निजता के अधिकार का हनन होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन होगा जिसमें निजता के अधिकार को संवैधानिक अधिकार बताया गया था आपके सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। जिस तरह आधार नंबर एक सर्विलांस सिस्टम बन गया और उसे हर चीज से जोड़ा जा रहा है, वैसे ही कोरोना वायरस से जुड़े एप्लीकेशन में लोगों का डेटा लिया जा रहा है जिसमें उनका स्वास्थ्य संबंधी डेटा और निजी जानकारियां भी शामिल हैं। अभी यह सुनिश्चित नहीं है कि सरकार किस प्रकार और कब तक इस डेटा का उपयोग करेगी। COVID-19 महामारी के बारे में सबसे ज्यादा चिंताजनक तथ्य है कि सरकारें स्वयं मरीजों और संभावित संक्रमित लोगों की संवेदनशील जानकारी मुहैया करा रही है। विज्ञान पत्रिका नेचर ने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि अनगिनत ऐप और वेबसाइट बन गई जो सरकारी वेबसाइट से वायरस से संक्रमित लोगों की जानकारी लेकर विकसित कर रही है। निजता के विषय पर शोध करने वाले शोधकर्ताओं का मानना है कि हर केस की जो विशेष जानकारी विकसित की जाती है उससे वो चिंतित हैं। COVID-19 में से बीमार व्यक्ति या फिर क्वारंटीन किए गए लोगों की पहचान आसानी से हो सकती है जिससे उनके निजता के अधिकार का हनन होता है। इसके प्रभाव की बात करें तो ऐसी परिस्थितियों में निजता के हनन से कोई भी व्यक्ति सामाजिक भेदभाव का शिकार हो सकता है। इसकी वजह से लोग वायरस का टेस्ट कराने से भी भागेंगे क्योंकि अगर उनका टेस्ट पॉजिटिव मिलता है तो उनकी जानकारी सार्वजनिक होने का डर रहेगा। व्यापार स्तर पर इस जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। ई कॉमर्स कंपनियां ऐसे लोगों की निगेटिव लिस्ट बना लेंगी और संक्रमण के डर से उनके निवास स्थान पर डिलीवरी से इनकार कर सकते हैं। एकत्रित किए जा रहे डेटा के माध्यम से इस समस्या के समाप्त होने के बाद भी सरकारें नागरिकों की गतिविधियों की निगरानी कर सकती हैं। बात करते हैं निजता का आखिर महत्व क्यों है। निजता वह अधिकार है जो किसी व्यक्ति की स्वायत्तता और गरिमा की रक्षा के लिए जरूरी है। वास्तव में यह कई अन्य महत्वपूर्ण अधिकारों की आधारशिला है। दरअसल निजता का अधिकार हमारे लिए एक आवरण की तरह है जो हमारे जीवन में होने वाले अनावश्यक और अनुचित हस्तक्षेप से हमें बचाता है। यह हमें अवगत कराता है कि हमारी सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक हैसियत क्या है और हम स्वयं को दुनिया से किस हद तक बांधना चाहते हैं। वह निजता ही है जो हमें यह निर्धारित करने का अधिकार देती है कि हमारे शरीर व हमारे विचार पर इसका अधिकार है। आधुनिक समाज में निजता का महत्व और भी बढ़ जाता है। फ्रांस की क्रांति के बाद समूची दुनिया ने निरंकुश राजतंत्र की विदाई शुरू हो गई थी और समानता मानवता आधुनिकता के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित लोकतंत्र ने पैर पसारना शुरू कर दिया। तकनीक और अधिकारों के बीच हमेशा से टकराव होते आए और 21वीं शताब्दी में तो तकनीकी विकास अपनी उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है।
ऐसे में निजता को राज्य की नीतियों और तकनीकी उन्नयन की दोहरी मार झेलनी पड़ी। आज हम सभी स्मार्टफोन्स का प्रयोग करते हैं, चाहे एप्पल का आईओएस हो या फिर गूगल का एंड्रॉयड या फिर कोई अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम। जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो यह हमारे फोन के कॉन्टेक्ट गैलरी, स्टोरेज आदि के प्रयोग की अनुमति मांगता है, और इसके बाद ही वह ऐप डाउनलोड किया जा सकता है। ऐसे में यह खतरा है कि यदि किसी गैर अधिकृत व्यक्ति ने उस ऐप की डाटाबेस में सेंध लगा दी तो उपयोगकर्ताओं की निजता खतरे में पड़ सकती है। तकनीक के माध्यम से निजता में दखल राज्य की दखलंदाजी से कम गंभीर है। हमें ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि तकनीक का उपयोग करना हमारी इच्छा पर निर्भर है, किंतु राज्य प्रया निजता के उल्लंघन में लोगों की इच्छा की परवाह नहीं करता है। निष्कर्ष क्या हो सकता है? निसंदेह यह संकट का समय है जिसमें कोविड-19 महामारी से होने वाली हानि को कम करने के लिए असाधारण उपाय की जरूरत है। आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने संबंधी सरकार के हालिया दिशा निर्देशों से आम लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हुए हैं, जिसमें देश के नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी भी मांगी जा रही है। विपक्ष व सोशल मीडिया सरकार की इस साजिश का विरोध कर रहे हैं, और लोगों का कहना है कि उनकी निजता के अधिकार में हस्तक्षेप है। ऐसी स्थिति में सरकार को लोगों की सभी शंकाओं का समाधान करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप पर एक विस्तृत रोड मैप प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि उनकी सभी तरह की शंकाओं का समाधान हो सके। तो ये था आपका निजता पर जो भी संकट है, निजता के आसपास, निजता के अधिकार के आसपास ही पूरा आर्टिकल घूमता रहा। ठीक है।